दोस्तों, लगता है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें देखकर अब साइकिल का दौर वापस आने वाला है। जी हाँ, लगभग 100 रुपए से ऊपर जा चुका पेट्रोल अब लगता है कि साइकिल का दौर वापस लाने वाला है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की सबसे पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें बढ़ना। दरअसल ओपेक देश, जो कि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन करते हैं या कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं, वह अपने प्रोडक्शन में कोरोना की वजह से कटौती कर रहे हैं। और इसकी दूसरी वजह है हमारी सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल की असली कीमत केवल 38 रुपए के आसपास है, तो यही डीजल की असली कीमत केवल 32 रुपए के आसपास है। जरा सोचिए, अगर आपको इस प्राइस पर पेट्रोल और डीजल मिलने लगे, हम सभी युवाओं का उद्धार हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, यदि केंद्र सरकार इसे GST में लाकर 28% वैट लगा दे, तो भी इसकी मैक्सिमम प्राइस केवल 50 रुपए के आसपास ही बैठेगी। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल 100 रुपए से 50 रुपए में आपको मिलने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, इसके चांसेस बेहद कम है, क्योंकि अगर बात करें टैक्सेस की, तो पेट्रोल पर केंद्र सरकार लगभग 33 रुपए टैक्स वसूलती है, तो वहीं डीजल पर 32 रुपए के आसपास, और कैसा राज्य सरकारें वसूलती हैं, जिसमें 20 रुपए, 19 रुपए, 15 रुपए, जो कि राज्य सरकारों के हिसाब से अलग अलग होता है। और यही वजह है कि मनमोहन युग में जो पेट्रोल 66 रुपए था, वो अब 100 रुपए के पार हो चुका है, और जो डीजल 50 रुपए था, वो अब 90 रुपए हो चुका है। और दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होना भी बेहद मुश्किल है, तो इसकी वजह है कोरोना के द्वारा बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा केवल पेट्रोल और डीजल से ही आता है। अगर बात करें पिछले साल की, तो केंद्र सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया केवल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से कमाया। तो भाई लोगों, विकास के लिए आपको महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की माली हालत फिलहाल खराब है, खस्ता हाल है। इसलिए अपने सेहत बनाने के लिए साइकिल का उपयोग जरूर करें, एक साइकिल जरूर खरीदें और पेट्रोल डीजल की तरफ ना जाएं, क्योंकि फिलहाल इसके प्राइस कम होने की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी तरह की बेहद दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।